एक ओर मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार भाजपा नेता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पास पहुंचे। भाजपा नेताओं का आरोप था कि आईएएस अरुण एक्का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के जरिए मोटी रकम की वसूली करते हैं। पूर्व प्रधान सचिव पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता है। भाजपा नेताओं का राज्यपाल से आग्रह था कि अरुण एक्का और पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से कहा कि यह राज्य की सत्ता के शीर्ष में व्याप्त भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य और देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है, जिसकी सीबीआई जैसी निष्पक्ष संस्था से ही जांच होनी चाहिए। अभी आप सब लोगों ने थोड़ा सा क्लिप देखा और राहुल जी से और पाटिल जी से कहेंगे कि आप सब लोगों को मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दें। बहुत ही छोटा सा है लेकिन घटना बहुत बड़ी। और आप सब लोगों ने तस्वीर में भी देखे होंगे तो उससे भी आप सब लोग पहचान लिए होंगे वो कौन थे, क्योंकि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जिनके पास गृह भी है, कारा भी है, आपदा प्रबंधन विभाग भी है, उन सारे विभागों के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ साथ इन सारे विभागों के भी वो प्रधान सचिव है। उनका नाम है श्री राजीव अरुण एक्का। उनके काले कारनामे और महालूट का एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप था, आपके संज्ञान में लाया गया। यह वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि भाई झारखंड में सरकार कैसे चल रही है और सरकार को कौन लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल इससे स्पष्ट है। मुख्यमंत्री द्वारा अरुण एक्का को दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देने मात्र से इसका पटापेक्ष नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का ने सोमवार प्रभात खबर के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। 30 साल का मेरा करियर बेदाग रहा है, मुझ पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने विशाल चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि किसी से दोस्ती करना कोई गलत काम है क्या? मैंने उनके यहाँ किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मैं जब सरकारी काम करता हूँ तो सरकारी दफ्तर या आवासीय कार्यालय में ही करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार की जाँच के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा करियर बेदाग रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।